हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज पूरे दिन ट्रेडिंग रही है। मॉर्निंग में जो हमने देखा था, क्या उसने वर्क किया है या फिर फर्दर हमें कुछ और लर्निंग की ज़रूरत है। ओवरऑल कंडीशन को देखेंगे। नए लाइक बटन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन साथ में अपडेट भी मिलती रहे। मॉर्निंग में हमने देखा था इंटरेस्ट रेट कम होगा और ये सारे अलर्ट लेवल बने हुए थे, तो ओपनिंग सेटअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ था। उसके बाद में क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है उसको हम देखेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग की वीडियो देखी होगी, डेफिनेटली आपको कुछ लर्निंग मिली होगी। यहाँ बाइंग से लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो न्यूज़ बेस है, अगर उसकी बात कर लेते हैं तो इस वीक में GDP के नंबर्स आने वाले हैं और उसके साथ में जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी आने वाला। अगर वो दोनों वीक होते हुए देखने वाले तो रेट कट का एक्सपेक्टेशन बढ़ता हुआ देखने को मिला है। डॉलर को अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा प्रेशर में है और ओवरऑल आज का जो प्राइस पैटर्न बात कर लेते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग आप लगभग देख रहे प्रीवियस डे के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ऐसे बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। लो इसने लगाया 104.18 के आसपास तक का और उसके बाद में फर्दर इसी रेंज में क्लोज कर रहा है। अब जब ये रेंज का फॉर्मेशन करता है, मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो उस टाइम में भी हमें एक बुलिश कंडीशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये हायर साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है, रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो दूसरी कंडीशन में हमें डॉलर और के कंपैरिजन में गोल्ड और इन सब में थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन मिलता है, तो हमारे लिए इनपुट का कंडीशन करता है। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप डॉलर इंडेक्स एक रेंज बॉन्ड है, गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं, तो गोल्ड की आज ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, ओपनिंग होती है हायर साइड में, फिर फर्दर अभी आज की जो इसकी पूरी ट्रेडिंग रही है कॉमेक्स की, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। इससे पहले दो दिनों में अच्छा इसमें डाउन मूव देखने को मिला था और 2400 का लेवल इंपॉर्टेंट था। फ्रेंड्स, इसने 2400 के लेवल के नीचे क्लोज किया है और क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर लेते हैं, तो अब ये धीरे धीरे करके जो 2380 का लेवल है इसके आसपास अप्रोच करने की कोशिश करेगा। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेगा। अब इसके लिए 2410 और 2400 का एक लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। गोल्ड की अगर हम बात कर लेते हैं कॉमेक्स में, गोल्ड कॉमेक्स एज कम्पेयर टू MCX ज़्यादा डाउन मूव में चलता हुआ जा रहा है और 72,600 का लेवल को इसने ब्रेक किया है। अब इसके बाद में ब्रेकआउट करने के बाद में जो ये लेवल्स है अगर आप देख रहे हो, तो इसके बाद में जो कंडीशन यहाँ बना रखी है, इसके जो 10 जुलाई से कंटिन्यू हायर साइड में ट्रेड कर रहा था, अब इसके नीचे इसने क्लोज किया है। अब यहाँ से धीरे धीरे अगर नीचे निकलता है तो हमारे लिए 72,400 और उसके बाद में 72,200 ये लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बना हुआ है। अब दोबारा से इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता, क्लोजिंग इस रेंज में करता, फिर भी हमें नेक्स्ट डे में कुछ अच्छा मूव डाउन साइड का ही देखने को मिल सकता है। प्लस साइड वालों के लिए अगर बात कर लेते हैं, तो आज इसमें एक अपॉर्चुनिटी थी हायर साइड जाने के लिए, ओपनिंग होता है बट स्टिल डाउन साइड आके ही क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे भी अभी कंसर्न बना हुआ है। नेक्स्ट अगर हम इंडेक्स के बाद में कॉमेक्स को देखते हैं सिल्वर के, तो सिल्वर का कॉमेक्स का जो रेंज का फॉर्मेशन था, अगर आप उन सभी कंडीशन को वॉच करते हुए धीरे धीरे जो सपोर्ट लेवल था इसको ब्रेक करता हुआ फाइनली इसने 29 के नीचे पहुँच गया है, बट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन अगर आज की देखते हो, लगभग इसने आज जो हाई लगाया है इसको आप देख रहे हो, यहाँ इंगल्फ टाइप का पैटर्न बनाया था। उसके बाद में मॉर्निंग में हम डिस्कशन कर रहे थे इस कैंडल के आसपास, हमारे लिए लेवल था 29 का, 29 के लेवल को इसने टच किया है और दोबारा से यहाँ से रिएक्शन प्लान करने की कोशिश कर रहा है। अभी दोबारा से अगर इस 29 के नीचे ही क्लोज करने की कोशिश करता है, तो हमें बड़े मूव डाउन साइड के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिलेगी। जो ग्लोबल कंडीशन है, अमेरिका में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, साथ में अमेरिका में जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, उन सभी के कारण इतना फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है और ये हमें अभी कुछ दिनों तक रहेगा, क्योंकि लगातार डेटा आने वाले हैं, वो सारे डेटा इसको अलाइन करेंगे तब यहाँ पे एक हमें पॉजिटिव होप देखने को मिलेगा। अब कंडीशन यहाँ पे देख रहे थे सिल्वर मिनी का, सिल्वर मिनी का हम मॉर्निंग में डिस्कशन कर रहे थे फ्रेंड्स, कि जो इसके लिए रेंज बना हुआ है, अगर इसमें दोबारा से एंट्री करता है 89,400 के नीचे, तो हमारे लिए पहले 89,000 उसके बाद में 88,500 होता हुआ 88,000 के आसपास तक के रेंज बनाने की कोशिश करेगा। इसने लो का फॉर्मेशन किया है 88,554 का। अब यहाँ पे कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल कंडीशन अभी ऐसा पॉजिटिव नहीं होती हुई देखने को मिली है। अब यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश कर सकता है, जहाँ से इसको पुल बैक हो सकता है मिलने की कोशिश करें। लेकिन ओवरऑल कंडीशन अगर आप वॉच कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ का रेंज है
और जो अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये दोनों ही बहुत ही क्रुशियल है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से नीचे निकल जाता है तो होपफुली हमें ज़्यादा बड़े टारगेट डाउन साइड के देखने के मिल सकते हैं, तो ये आपके लिए अलर्ट लेवल है। ओवरऑल कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी डाउन साइड आ जा रहा है, ये कंडीशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और मार्केट में कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हुए। इसमें कंडीशन कुछ भी हो सकती है, रेट कट का इंडिकेशन अभी क्लियर नहीं है, दूसरा जो लोगों ने प्रॉफिट कर रखा हो, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्वार्टरली चेंज ओवर करते हैं, अदर कंडीशन बन रही है। लेकिन ओवरऑल जो प्राइस पैटर्न है, अगर आप देखो इस रेंज को इसने डाउन साइड ब्रेक किया और ऑलमोस्ट अपने रेंज का डबल कर दिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन को अगर देख लेते हैं, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग पॉइंट अभी से एक लॉट के थ्रू हम देखते हैं, वो है हमारे लिए सिल्वर माइक्रो का लेवल। माइक्रो की कंडीशन काफ़ी बेटर है और ओवरऑल कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो इसने बड़े टारगेट दिए हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल 88,500 का लेवल है, 500 के नीचे क्लोजिंग ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। आज की अगर कंडीशन की बात कर लेते हैं, ओपनिंग होता है हायर साइड में, एक पुलबैक लगाता है और 90,100 के आसपास टच करता है। अब यह प्राइस पैटर्न को अगर आप देखते हैं, उसके बाद में एक भी कैंडल ऐसी नहीं है कि प्लस साइड में लेके जाने वाली है। अगर आप प्रीवियस डे के लो को भी ट्रेड किए होंगे तो भी आपको यहाँ पे अच्छे मूव मिल सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस डे को लो अगर देखते हैं तो 89,300-400 के आसपास बना हुआ है, वहाँ से इसने लो का फॉर्मेशन किया है 88,500-600, तो लगभग यहाँ पे 400-500 पॉइंट का मूव इजी वे से आप कैप्चर कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, आपको कॉन्फिडेंस में आना है। कॉन्फिडेंस आपको कैसे बिल्टअप होगा, आप एक लॉट से ट्रेड करेंगे धीरे धीरे करके, तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो सकता है। अब यहाँ पे पुल बैक आना मस्ट था, क्योंकि इस पोजीशन से ही इतनी ज़बरदस्त रैली आई है और यहाँ से ऊपर जाने के बाद में दोबारा से इस जोन में एंट्री कर रहा है। यहाँ छोटी छोटी कैंडल बनाता तो हमारे लिए और बेटर होता, बट स्टिल अगर हम यहाँ पर कंडीशन देखते हैं तो थ्रू आउट मूव नहीं हो रहा है, फॉलो अप मूव हो रहा है। यहाँ बड़ी कैंडल, दो तीन कैंडल, छोटी बड़ी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, फिर दोबारा फॉलो। अब यहाँ पे 89,000 के नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी और उसके बाद में जो इसने बेस बना रखा है यहाँ पे, अगर आप बात कर लेते हैं जो सपोर्ट लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर इनकेस इसको ब्रेक कर देता तो हमारे लिए फिर मूवमेंट डाउन साइड ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। हायर साइड की बात कर लेते हैं, हायर साइड का यहाँ पे बड़े मूव के लिए तभी यहाँ पे जाना बेटर होगा जब ये दोबारा से 90 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो पहला इसने टारगेट मंडे को हिट कर दिया 1000 पॉइंट के अप्रॉक्स इसने मूवमेंट किया है। अब इसको फर्दर डिसाइड करना है यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन रहने वाला है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है और क्लोज करता है, एटलीस्ट आवर्ली कैंडल में क्लोज करता है, उसके बाद उसका फॉलो अप आता है, तो हमें नेक्स्ट टारगेट थोड़े बड़े होते हुए देखने को मिलेंगे। अब डेली कंडीशन फ्रेंड देखते हैं, आप किसी भी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इस समय ज़बरदस्त फॉर्मेशन इसने बनाया पिछले 3 दिनों से। ओपनिंग, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग होती है, फॉलो अप आता है दूसरे दिन का, एक रेंज का फॉर्मेशन करता है, थर्ड डे गैप डाउन ओपनिंग, आज गैप अप ओपनिंग होकर गैप डाउन कर इसने डाउन साइड क्लोज किया। तो ओवरऑल 3 दिन का कंडीशन, अगर 4 दिन की मूवमेंट देखते हैं तो एक भी दिन इसने कंडीशन नहीं दिखाई कि यहाँ पे बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिल रही। अब करंट जो अभी कंडीशन चल रही है, अगर इसको आप बात कर रहे हैं तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखोगे तो अभी ज़बरदस्त फॉर्मेशन करने के साथ में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी हमने वीकली में भी डिस्कस किया था और अभी भी डिस्कस किया। तो 1000 पॉइंट अगर आपको मिले हैं तो डेफिनेटली वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना अगर आपने पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। फर्दर हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, हम इसको वेट करेंगे क्रॉस होने का। अगर क्रॉस करके क्लोजिंग पॉइंट अभी दे देता है तो इसके लिए फिर नेक्स्ट जो लेवल निकलता हुआ देखने को मिल रहा है वो 87,400 के आसपास बनेगा। उसके बाद आपको 87,000 ये लेवल्स नीचे के लिए खुलते हुए नज़र आएंगे। बट इन केस हमें पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, अगर इन केस ये हायर साइड निकलता है 89 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे हो सकता है आपको छोटी छोटी कैंडल्स बनती हुई देखने को मिले, क्योंकि इसको इनपुट के लिए डेटा चाहिए होगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स 1000 पॉइंट की रैली आपने कैप्चर किया, जरूर एक बार लाइक कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।